नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। तो कल की चर्चा में हम लोग जानने और मानने को लेकर विश्लेषण कर रहे थे और उसको अपने आप में जांच पर कर रहे थे। तो दिखता है कि यदि मैं सिर्फ मानने के दायरे में जीता हूं तो समस्या में होता हूं। अगर मेरे अंदर जानना सुनिश्चित होता है तो मैं समाधानित होता हूं। तो जानने का मतलब है वास्तविकता को जैसा वैसा देख पाना, शुद्ध दृष्टा के रूप में, संपूर्णता में। मानना मतलब कि जो मुझे दिखाई दिया उसको मैं स्वीकारता हूँ, ये मानना है। जब जानना के साथ मानना होता है तो मानना उसकी स्वीकृति है, जो मुझे दिखाई दिया, जो मुझे समझ में आया, फिर वैसा ही मैं पहचानता हूँ उस इकाई के साथ संबंध को और वैसा ही मैं निर्वाह करता हूँ। जानने के अभाव में जब मानना कर रहे हैं तो फिर हम अपने आप से कुछ चीजें मान लेते हैं, फिर वो जानना तो हुआ नहीं है, वास्तविकता को देखा नहीं है। इसलिए स्वीकृति जो हमारी बनती है वो हमारे अपने द्वारा किए गए विश्लेषण, बाहर से आने वाली सूचना, उसके आधार पर कुछ तुलन, उसके आधार पर कुछ कल्पनाशीलता में हमने बना लिया और उसके आधार पर मानना हो जाता है। तो अंग्रेजी में देखें तो थोड़ी सी कठिनाई होती है अज्यूमिंग और एक्सेप्टिंग में। तो लगता है कि जानने के बाद अज्यूमिंग कैसे होगा, नोइंग के बाद अज्यूमिंग कैसे होगा, क्योंकि अज्यूमिंग तो हमेशा तभी होगा जब नोइंग नहीं होगा। इसलिए दो शब्द रखते हैं, अज्यूमिंग एंड एक्सेप्टिंग। परंतु हिंदी में देखें तो मानना शब्द दोनों तरह से प्रयोग हुआ ही है। जैसे हम कहते हैं भाई आप मेरी बात मान लीजिए, तो एक्सेप्टेंस के रूप में ही कहते हैं, है ना, मान लीजिए। तो जानने के अभाव में भी मानने की क्रिया होती रहती है, जानने के साथ भी मानने की क्रिया होती रहती है। और चैतन्य इकाई में देखें तो मानने से ही पहचानना, निर्वाह करना शुरू होता है। किसी भी इकाई के साथ हम संबंध को पहचानने जाते हैं तो उसके आधार में कुछ ना कुछ मानना होता ही है। यही मानना जानने के आधार पर हो जाए तो हम समाधानित होते हैं, तृप्त होते हैं, हमारे अंदर सुख की निरंतरता होती है। जानना ना हो पाए तो फिर हम समस्याग्रस्त रहते हैं। तो इसको कल हम लोगों ने एक असाइनमेंट लिया था कि हम अपने आप में देखें कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको हम जान पाए हैं और फिर उनके साथ निर्वाह कर रहे हैं, और कितनी ऐसी चीजें जिसको हम मेयरली मानकर निर्वाह कर रहे हैं, जानना अभी शेष है। तो शिक्षा संस्कार की भूमिका ये है कि हमें मानना से जानना की ओर ले जाए, क्योंकि मानने में दिखता है कि परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि जानने के आधार पर नहीं है, उसके प्रति कोई आश्वस्ति नहीं होती, स्वयं में तृप्ति का भाव नहीं होता, निश्चितता नहीं होती, निरंतरता नहीं होती और बाहर की चीजों पर निर्भर रहता है। ये सारी कठिनाइयां दिखाई देती हैं, इसलिए हमारा आचरण निश्चित रहता है, ठीक है ना। तो बाहर जो घटनाएं हो रही हैं उसको हम अपने मानने से जोड़कर देखते हैं और अपने हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट करता है और इस कारण से हमारे आचरण की कोई निश्चितता नहीं रहती। जब जानना सुनिश्चित होता है तो हम वास्तविकता को एक शुद्ध दृष्टा के रूप में जैसा वैसा देख पाते हैं और वैसा हम जी पाते हैं, तो उससे हमारा मानना निश्चित होता है। मानना निश्चित होता है, पहचानना, निर्वाह करना निश्चित होता है, इससे हमारा आचरण निश्चित होता है। तो आचरण की निश्चितता का मतलब ये नहीं कि हमारे शब्द फिक्स हो गए, कि हमारे शरीर के चलने फिरने का ढंग फिक्स हो गया। आचरण का मतलब कि हमारा भाव निश्चित हुआ, उस भाव के द्वारा जो मैं विश्लेषण करूंगा उसकी विधि निश्चित हुई, उसके आधार पर जो मैं संबंध को पहचानूंगा, निर्वाह करूंगा, वो निश्चित हुआ, है ना। तो आचरण की निश्चितता का मतलब ये है कि हमारा भाव निश्चित हुआ समझ के साथ, उसके साथ फिर हमारा विचार क्रम जिस प्रकार से चलेगा वो निश्चित हुआ। तो शिक्षा संस्कार की भूमिका यही है। इस बात को अगर हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो हमारी जैसी भी शिक्षा हुई, है ना, तो अभी तो हम जो भी शिक्षा हमें मिली उसके हम भुक्तभोगी हैं। आज जहाँ हम खड़े हैं उन सबके साथ खड़े हैं, परिवार में जो हमें संस्कार मिला, फॉर्मल एजुकेशन जो मिला, जैसा वातावरण मिला, उसके साथ आज हमारा जीना हो रहा है। हमारे आचरण की एक प्रकार की, है ना, स्थिति बनी हुई है, हमारे भाव विचार की स्थिति बनी हुई है। परंतु ये बात अगर हमें स्पष्ट हो जाए कि यही शिक्षा संस्कार की भूमिका है, तो अपने बच्चे के लिए तो हम अब सही शिक्षा संस्कार के अर्थ में ही सोचेंगे कि नहीं। और अभी जो शिक्षा संस्कार बना हुआ है उसमें कैसे परिमार्जन उस अर्थ में सोचेंगे। तो एक तो हमें जो शिक्षा संस्कार मिला उसका हम सही सही आकलन कर पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि हमें जो शिक्षा मिली हमने उसका अधिमूल्यन कर लिया, ठीक, या उसका अवमूल्यन कर लिया, तो उससे बाहर निकलेंगे, उसका सही आकलन कर पाएंगे। हम चाहे टेक्नोलॉजी पढ़े या साइंस पढ़े या आर्ट्स पढ़े कि नहीं, चाहे मैनेजमेंट पढ़े, कॉमर्स पढ़े, मास कम्युनिकेशन पढ़े, हमने जो भी पढ़ा वो एक स्किल था,
उसमें समझना हुआ कि नहीं हुआ इसका हम ठीक से आकलन करेंगे। तो एक तो ये उपलब्धि की बात है। अगर इस स्लाइड को ध्यान से देखें और शिक्षा संस्कार की भूमिका को देखें तो उससे एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि अभी जो हमें शिक्षा मिली है उसका हम सही से आकलन कर पाते हैं कि शिक्षा से गुजरने के बाद जानना हुआ कि नहीं, है ना, आचरण की निश्चितता हुई कि नहीं। अगर नहीं हुई तो इसकी जो भूमिका थी वो शेष रह गई, चाहे हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो। शिक्षा संस्कार में हम 10वीं तक पढ़े कि 12वीं तक पढ़े, इससे आगे गए बैचलर्स किया कि मास्टर्स किया कि पीएचडी किया कि पोस्ट डॉक किया, अल्टीमेटली अगर जानने काम पूरा नहीं हुआ तो शिक्षा संस्कार की जो मूल वस्तु है वो हमारे लिए शेष है। एक तो ये उपलब्धि होती है इससे, तो उससे हमारा जो सही आकलन होता है उससे हम अपने आप में आराम पाते हैं, है ना, नहीं तो कहीं अधिमूल्यन कहीं अवमूल्यन किए बैठे रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अब मुझे शिक्षा संस्कार में क्या भूमिका अदा करनी है, हमारी क्या भागीदारी होगी, इसको हम तय कर पाते हैं। तो हम सभी शिक्षा संस्कार में किसी न किसी रूप में भागीदार हो सकते हैं। जैसे देखें तो हम में से कई लोग फैकल्टी हैं, पढ़ा रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन में, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, इस प्रकार से हम लोग पढ़ा रहे हैं। कॉलेज मतलब डिग्री कॉलेज में होंगे। और हम में से कई लोग हैं जो नहीं भी पढ़ा रहे, बट नहीं पढ़ाते हुए भी हम शिक्षा संस्कार परंपरा में भागीदार तो हो सकते हैं। अभी जिस तरह से मूल्य शिक्षा के लिए काम चल रहा है उसके भिन्न भिन्न आयामों पर हम काम कर सकते हैं। तो अभी जो शिक्षा संस्कार चल रहा है समाज में उसमें हमको भागीदारी अपने स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तीसरी बात कि आगे शिक्षा संस्कार कैसे देना है हमको नई पीढ़ी को, उसके लिए भी हम स्पष्ट हो पाते हैं, उसके लिए हम अपनी तैयारी कर पाते हैं। तो हमें अगर अपने बच्चे के लिए प्लान करना है शिक्षा संस्कार तो लक्ष्य क्या होगा, है ना, अगर हम उसके करियर के बारे में विचार कर रहे हैं तो लक्ष्य क्या होगा। तो अगर इस बात को हम समझ लेते हैं कि शिक्षा संस्कार की ये भागीदारी है, ये भूमिका है, तो इन तीनों मुद्दों पर स्पष्टता मिलती है। ये बात कहना ठीक है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये बात ठीक है? जी, इतनी बात को लिख के दी किन्हीं का प्रश्न हो भैया। मेरा प्रश्न ये आ रहा है कि जैसे अभी हम देखने जाएं कि जानने और मानने में क्या, मतलब क्या हमारा जानने से है और मानने से है, तो मेरा ये प्रश्न आ रहा है हम ये कैसे हम यही सुनिश्चित कर पाए कि ये जानने से है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए पहले हम मान रहे हैं कि हम मैं सिर्फ मानव हूँ, और अभी हमारे पास ये है सूचना कि मैं मानव और शरीर मतलब शरीर और मैं अलग अलग हूँ, तो ये भी क्या मेरा मानना ही नहीं है अभी? या फिर दूसरा किसी में मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि जैसे हर इकाई को जानना, हम ये कह रहे हैं कि जैसा है उसको वैसा जान लेना, तो वो क्या मतलब वो कैसे मतलब सिर्फ सूचना प्राप्त किसी इकाई को जैसा है वैसा जान लेना क्या सूचना प्राप्त करने से होना है या फिर उसमें विश्लेषण होना है? मतलब मैं थोड़ा सा इसको आप भैया वो स्पष्ट करेंगे वो कैसे होगा, मतलब हम और ये हम कैसे फिर हम ये पुष्ट कर पाए कि हम ये जानने में है ये मानने में नहीं है, क्या हम समझा पा रहे हैं भैया क्वेश्चन? कल हमने इस पे बात की थी कि जानना और जानकारी लेना ये दो अलग चीजें हैं। तो जानकारी लेने का हमको सूचना मिल गई, ठीक है, कि मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है। वैसे हमें कई सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं, हम न्यूज सुनते हैं, बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, समाज में ये घटनाएं हो रही हैं, परिवार में बैठते हैं लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं, बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। ये जानकारी लेना हुआ, सूचना लेना हुआ, ये जानना नहीं है। जानने का मतलब जो वस्तु जैसी उसको वैसा देखना। तो हमें सूचना मिली कि मैं और शरीर दो तरह की वास्तविकताएं हो सकती है। अब मैं जानने की अगर बात करूं तो मैं जैसा हूं वैसा अपने आप को अगर देख पाता हूं, एक चैतन्य इकाई के रूप में, शरीर से भिन्न इकाई के रूप में देखना, तब जानना हुआ। अन्यथा एक सूचना है, तो हम किसी ने हमको बताया कि मानव शरीर मात्र है, हमने मान लिया। किसी ने कहा मैं और शरीर का अस्तित्व है, तब भी हमने मान लिया। किसी ने कुछ और कह दिया, है ना, कि जो मैं है ये फॉर एग्जाम्पल व्यापक है, तो हमने वो भी मान लिया। तो अभी हमारे पास ढेर सारी सूचनाएं आती रहती हैं और हम उसको मान लेते हैं। जानना तब है जब उसको जैसा वैसा देख पाए। तो मैं स्वयं को अगर देख पाता हूँ शरीर से भिन्न चैतन्य इकाई के रूप में, तब तो पूरा हो पाता है, अन्यथा वो मानने में ही रहता है। हाँ भैया, तो शायद मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं देख पाना जो क्रिया है शायद उसको मैं अपने भीतर बहुत स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो देख पाना को हम कैसे
जी अभी आएंगे उसपे, अभी क्या देखने की वस्तु है उस पर हम लोग मॉड्यूल 2 में विस्तार से बात करेंगे कि देखना क्या है। हाँ भैया, और इसी में भैया जैसे अभी ये मैं और मानव की बात है, अभी हम फिर ये इकाई को जानने की बात करें, किसी जो जड़ इकाई है उसको जानने की बात करें, तो उसको भी फिर हम जैसे उसको उसके लिए भी यही आएगा कि वो जैसा है वैसा देख पाना। जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है कि हम बात कर रहे हैं कि ये नीम का पेड़ है, उसको हम वैसा जैसा है वैसा देख पाना, तो हम इस चीज को कैसे परिभाषित, मतलब कैसे हम कहेंगे कि हम इसको जान रहे हैं कि नीम को नीम की तरह मैं जान रहा हूँ, ये चीज हम कब कह पाएंगे, कब तक हम ये कहें कि ये मान रहे हैं, मतलब इस चीज पे हम शायद मैं थोड़ा सा शायद मतलब वो ये नहीं कर पा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि इकाई के भिन्न भिन्न आयाम है, उसमें जानने की वस्तु क्या है उसको हम लोग देख पाएंगे, तो हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे मॉड्यूल 2 में। मैं संक्षेप में रख देता हूँ, इकाई को देखें तो इकाई का एक रूप होता है, जैसे पेड़ है उसका एक रूप है, इकाई में गुण भी होता है, पेड़ जिस तरह से मिट्टी से जुड़ी है, पानी से, हवा से, हमसे, आपसे जुड़ी है ना, पेड़ जुड़ा है, ये उसका गुण है। पेड़ का एक स्वभाव भी है, स्वभाव मतलब अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, संबंध, तो पेड़ कैसे संबंधित है प्रकृति के साथ, इसका स्वभाव है। फिर पेड़ के अपना एक सत्व है, धर्म है ना, स्वयं एक व्यवस्था बनी हुई है पेड़ की, और पेड़ कैसे शून्य में संपृक्त है, सहस्तित्व में है, तो स्वभाव, धर्म और सहस्तित्व, इसको परम धर्म भी कहते हैं, ये जानने की वस्तु है। रूप और गुण सूचना की वस्तु है, जानकारी लेने की वस्तु है। तो चलो बात करेंगे विस्तार से, है ना, पेड़ के स्वभाव को कैसे जानेंगे, धर्म को कैसे जानेंगे, परम धर्म यानी सहस्तित्व को कैसे जानेंगे, इसे बात करेंगे। धन्यवाद भैया। भैया अभी भाव और आचरण की बात हो रही थी, तो मैं भाव और आचरण का जो संबंध है वो समझना चाहता हूँ। जैसे कि भाव से आचरण होता है, एक बात ये हुई, दूसरा ऐसी भी बातें आती हैं कि आप आचरण ठीक हो तो भाव भी सुधरेगा। जैसे मेरे पिताजी हैं, मैं उनके प्रति भाव ठीक रखा हूँ तो मेरा आचरण उनके प्रति नियंत्रित रहता है, संबंध को पहचान के, और मैं उनका पैर छूंगा, उनकी सेवा करूंगा। दूसरी बात ये कही जाती है कि आप पहले आचरण करो, है ना, उनका सेवा करो और उनका पैर छुओ, तो मेरे भाव ठीक होंगे। तो ये दोनों बातों और वो कैसे कनेक्ट किए? जी, तो आप पाएंगे कि जो हमारा आचरण है उसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी कल्पनाशीलता में है उसके आधार पर जो हम व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, सब मिलाकर मेरा आचरण है। तो आचरण निश्चित कैसे होता है? समझ से। तो आचरण को देखें तो वहां पर जो शुरुआत हो रही भाव से हो रही है, जैसे मेरे अंदर संबंध का भाव या विरोध का भाव है, तो अगर संबंध का भाव है तो संबंध का ही विचार करूंगा, संबंध पूर्वक ही व्यवहार करूंगा। ठीक, अगर संबंध का भाव नहीं है, विरोध का भाव है, तो विरोध पूर्वक विचार करूंगा, विरोध का ही व्यवहार करूंगा कि नहीं। अब अगर समझने की बात करें कि समझेंगे कैसे, क्योंकि समझ से ही भाव सुनिश्चित होना है, अगर समझे नहीं है तो भाव में अनिश्चितता रहती है, कभी संबंध कभी विरोध। जब समझने जाते हैं तो उसमें हम प्रस्ताव जो हमें मिल रहा है सामने से उसको हम स्वयं में जांचते हैं और जी कर देखते हैं। तो जब जी कर देखते हैं तो फिर ये जो आचरण करते हैं उसको भी हम जी कर देखते हैं। तो हो सकता है मेरे अंदर भाव की अभी निश्चितता नहीं हुई है, बट मैं उसको व्यवहार में अभ्यास करता हूँ, कार्य में अभ्यास करता हूँ। जैसे पिताजी की मैं सेवा करता हूँ, तो पिताजी की जब सेवा कर रहा हूँ तो उनके साथ व्यवहार कर रहा हूँ, उनके शरीर पे मैं श्रम भी कर रहा हूँ, जैसे उनका हाथ पैर दबा रहा हूँ, तेल मालिश कर रहा हूँ, तो श्रम भी कर रहा हूँ, है ना। अब इससे क्या होता है, जब मैं इसको जी कर देखता हूँ तो मेरे अंदर भाव का बार बार मूल्यांकन होता है कि देखो पिताजी को जो मैं पैर दबा रहा हूँ, अंदर भाव संबंध का है या इरिटेट हो रहा हूँ मैं, है ना, इनके साथ संबंध दिख रहा है या कहीं कहीं परेशानी हो रही है। ठीक है, तो समझने के लिए हम स्वयं में जांचते भी हैं और जी कर देखते भी हैं। तो जब जी कर देखते हैं तो अभ्यास करते हैं जीने का, तो वहां पे हम आचरण भी कर रहे हैं। जब तक समझे नहीं है तब तक जी कर अभ्यास करते करते भी हम जांचते हैं, और स्वयं में जांचते हुए भी हम जी कर अभ्यास करते हैं, दोनों साथ साथ चलता है। तो जब तक समझे नहीं है तब तक भाव की निश्चितता नहीं है, इसलिए भाव की निश्चितता के लिए स्वयं में जांचना भी होता है और उसका अनुसार जीना भी होता है। समझ गया तो भाव की निश्चितता बनी ही रहती है। फिर जो हम उनका पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो समझने के लिए नहीं कर रहे, समझ करके कर रहे हैं। तो अभी तो दोनों तरफ से चलेंगे, तो स्वयं में भाव की निश्चितता के लिए जांचेंगे भी और भाव की निश्चितता के लिए जी कर देखेंगे, तो उसमें हम आचरण भी करेंगे, निर्वाह भी करेंगे, दोनों ही करेंगे।
बहुत बढ़िया बहुत शानदार, थैंक यू। तो हम इसको है ना अपने आप में ऑब्जर्व करें, तो ये जो शिक्षा संस्कार की बात हुई, शिक्षा संस्कार की ये भूमिका है ना, इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें। तो अभी अगर हम अपनी स्थिति देखें, यदि हमने जानना पूरा नहीं किया है, जानने काम शेष है, तो अभी कुछ मामला ऐसा रहता है, तो हम जीव चेतना में जी रहे होते हैं, जीव चेतना में जीते हुए हम मान्यता या संवेदना के दबाव में रहते हैं, तो मान्यता या संवेदना के दबाव में जीते हुए दिखता है कि जो कल्पनाशीलता है वो अनियंत्रित रहती है। तो हमारे अंदर जब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इच्छा विचार आशा ये दिखाई देती है कि हमारे अंदर कोई इच्छा बनी हुई है, इसको थोड़ा ओपन अप करें। इच्छा का मतलब चित्रण, कि हम कुछ चित्रण करते हैं। मौलिक रूप से हमारी इच्छा क्या है, मौलिक रूप से देखें तो इच्छा ये है कि हम सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, उसकी निरंतरता चाहते हैं। तो मूल जो चित्रण है वो ये है कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना कैसा हो, जो हम स्वयं में होना चाहते हैं, ये मूल चित्रण है। फिर इसको जब हम फैलाते हैं चित्रण को, तो उसमें बहुत सारी चीजों को और जोड़ते हैं और तरीके से चित्र बनाते हैं। तो कैसे होगा निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना, तो समाज में नाम हो, घर में अच्छा खासा पैसा हो, लोग हमारे को पहचाने, है ना, इस तरह से हम कई प्रकार से चित्रण करते हैं। हमारा ऐसा भविष्य हो, हमारे संबंध ऐसे हो, हमारा शरीर ऐसा हो, बहुत सारी चीजों को हम चित्रण करते हैं। अब यहाँ पे क्या, बहुत सारी चीजों को मिक्स कर लिया। मूल चित्रण तो ठीक है, निरंतर सुखी होना चाहते हैं, बट सुख क्या है उसके बारे में हमने कुछ मान लिया, समृद्धि क्या है उसके बारे में मान लिया, जैसे हमने मान लिया कि सुविधा बराबर सुख, ठीक, संग्रह बराबर समृद्धि कि नहीं। अब जैसे ऐसा हमने मान लिया, तो फिर हमारा जो है विचार उसी क्रम में चलेगा। तो अगर हमने सुविधा बराबर सुख मान लिया, तो हम विश्लेषण करते हैं कि सुख तो निरंतर चाहते हैं, तो कैसे होगा, तो उसके लिए हमको सुविधा संग्रह करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, असीमित करना पड़ेगा, उसके लिए विश्लेषण करते हैं कि ये असीमित सुविधा संग्रह कैसे होगा। फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो फिर जो ऑप्शन दिखाई देते हैं हम उसको फिर कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं, ये ऑप्शन ज्यादा ठीक है कि वो ऑप्शन ज्यादा ठीक है। फिर जो ठीक लगता है, क्योंकि ठीक लगने मतलब क्या, कुछ आस्वादन हो रहा है कि हाँ ये ठीक है, सुविधा संग्रह के लिए ये ऑप्शन ज्यादा ठीक है, तो हमारे अंदर कुछ चित्रण बना हुआ है जो हमने किसी मान्यता के आधार पर बना लिया है कि है ना सुविधा बराबर सुख। फिर उसके लिए हम विश्लेषण करते हैं कि सुविधा बराबर सुख का मतलब क्या हुआ, तो निरंतर सुख चाहिए, तो उसके लिए अनंत सुविधा हो तो निरंतर सुख रहेगा। फिर अनंत सुविधा के लिए क्या करेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कि लॉटरी लग जाए, है ना, या इस बिजनेस में पैसा लगा दें तो वहां से पैसा निकल आए, या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, है ना, तो बहुत सारे ऑप्शन लेके चलते हैं। उन ऑप्शंस में से जिस भी ऑप्शन को चुनते हैं उसका एक हमको स्वाद मिलता है। जैसे लॉटरी की बात आ गई, हाँ लॉटरी में क्या है भाई, कौन 20-20 साल तक 25 साल तक मेहनत करेगा, एक लॉटरी खेलो, जिस दिन लग गई उस दिन उसके बाद की लाइफ तो बन गई, है ना, फिर इतने पैसे होंगे कि ना कभी सुविधा का अभाव होगा ना सुख का अभाव होगा, और हमेशा ही सुखी रहेंगे। अब उसका एक स्वाद मिल रहा है हमको, तो हम उसके साथ फिर चयन करते हैं कि ठीक है भाई चलो लॉटरी में पैसा लगाते हैं, लॉटरी खेलते हैं। तो क्या हुआ, मूल चित्रण क्या है, निरंतर सुख समृद्धि, उसके साथ हमने बहुत सारे चित्रण जोड़ लिए अपनी मान्यता के आधार पर, संवेदना के आधार पर। तो मान्यता मतलब कोई चीज हमने जाने बगैर मान लिया, जिसपे हम लोग अभी तक बात करते रहे कैसे हम मान लेते हैं जाने बगैर। संवेदना मतलब शरीर से जो सूचना आ रही है, ठीक है ना, तो शरीर से जो सूचना आ रही है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों से हमको सूचना मिलती है, बाहर के वातावरण से जो संपर्क होता है शरीर का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी कि आंखों से कोई सेंसेशन मिलता है, आईज से हमको सेंसेशन मिलता है, टंग से सेंसेशन मिलता है, ईयर्स कान से सेंसेशन मिलता है, स्किन से सेंसेशन मिलता है, नोज नाक से सेंसेशन मिलता है, और इससे भी हमको लगता है सुख मिल रहा है, ठीक। हम लोग आगे जब इसको और विस्तार में देखेंगे तो पाएंगे कि जो भी हमको सेंसेशन से मिलता है, एक सूचना होती है, उसको हम अपने मानने से जोड़कर उसको सुख मान लेते हैं, उसका हम कोई अर्थ देते हैं। तो ये जो बाहर के द्वारा हमको सूचना मिल रही शरीर के माध्यम से संवेदना के रूप में, उसको हम सुख मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही होती है वो इस प्रकार से चल रही होती है, एक भाग उसका ये भी होता है जो सहज स्वीकृति से आता है, जैसे हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, ये हमको सहज स्वीकृति से आता है। हमारे अंदर लॉटरी खेलने की इच्छा भी बन गई, बट हमको लगता है कि अगर लॉटरी लग गई और इतना सारा पैसा हो गया, तो अपने बच्चे को ठीक से केयर करूंगा, उसे भोजन का ठीक से ध्यान रखूंगा, उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, वहां हमारे अंदर बच्चे के प्रति एक संबंध की स्वीकृति है। तो कल्पनाशीलता का ये भाग तो सहज स्वीकृति से आ रहा है,
बच्चे के प्रति जो संबंध का भाव है ना, स्पाउस के प्रति संबंध का भाव है, या माता पिता की सेवा कर पाऊंगा बेहतर ढंग से, यहाँ तो संबंध का भाव है, तो ये तो हमको सहज स्वीकृति से आ रहा है, बट संबंध का निर्वाह कैसे करेंगे ये मान्यता से आ रहा है, उस निर्वाह के लिए सुविधाएं कैसे आएंगी ये मान्यता से आ रहा है, और फिर संवेदना भी जुड़ जाती है कि ना एक बार इतना पैसा हो जाए घर में, खूब टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे, है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, हर पर्व त्योहार पर नए कपड़े पहनेंगे, ठीक, घर में खूब इत्र लगा के निकलेंगे बाहर तो संवेदना अच्छी मिलेगी कि नहीं, घर में खूब कालीन सोफा होगा सॉफ्ट सॉफ्ट सा, तो उसे बैठेंगे खूब मखमली लगेगा, खूब अच्छा लगेगा, आराम लगेगा, और घर में ऐसा दृश्य बना के रखेंगे कि जब देखेंगे बड़ा अपीलिंग सा लगेगा, पूरा दृश्य ही अपीलिंग होगा, इधर पेंटिंग उधर पोस्टर इधर कलर उधर ना डिस्टेम्पर, बड़ा अपीलिंग लगेगा, और देखेंगे कि हम सुखी होना चाहते हैं, बट सुख के बारे में जो एक मान्यता बन गई, सुविधा बराबर सुख, उससे हम पूरी कल्पनाशीलता अपनी फैला लेते हैं, मान्यताओं का भी दबाव रहता है, संवेदनाओं का भी दबाव रहता है, एक भाग सहज स्वीकृति से भी आता है, अल्टीमेटली सुविधा करूंगा क्या, तो जनरली ऐसा होता है कि हम सुविधा संग्रह करते भी है तो ऐसा नहीं सिर्फ अपने लिए करते हैं, जिसको भी हम संबंधी माने रहते हैं उनके साथ मिलकर सुविधा को भोगना है, ऐसी भी हमारी कल्पनाशीलता रहती है, तो जो संबंध का भाव है वो तो सहज स्वीकृति से आ रहा है, परंतु मान्यता और संवेदना किस प्रकार से जुड़ गई है वो हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यदि हम जीव चेतना में जी रहे होते हैं तो हमारे अंदर कल्पनाशीलता इस प्रकार से काम कर रही थी, एक उदाहरण लिया लॉटरी का, है ना, ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब अगर हम ऐसा ही अपने अंदर कल्पनाशीलता को लेकर चलते हैं तो हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार से होता है, फिर हम जो भी व्यवहार करेंगे सुविधा संग्रह के अर्थ में करेंगे कि नहीं, तो परिवार में सोचते हैं कि भाई परिवार का हर व्यक्ति इसमें लग जाए, अकेले हम क्यों लगे हैं, वो भी सुविधा संग्रह करे, ठीक, फिर साथ मिलकर भोगेंगे भी, साथ मिलकर संग्रह भी करेंगे, तो परिवार के साथ व्यवहार करेंगे इसी प्रकार से करेंगे, परिवार के बाहर व्यवहार करेंगे तो उनको देखते हैं कि ये सुविधा संग्रह के स्रोत है, ये इनका मैं जितना शोषण करूंगा उतनी सुविधा मेरी बढ़ेगी कि नहीं, कार्य करता हूं तो भी उसमें वैसा ही भाव रहता है, प्रकृति का जितना दोहन कर लें जितना शोषण कर लें उतना हमारा सुख बढ़ेगा। तो जैसे ही हमारे अंदर ये जो गलत मानना हो गया, उससे गलत पहचानना गलत निर्वाह करना होता जा रहा है, इसी को जीव चेतना कहा। जीव चेतना इसलिए कहा क्योंकि पशु की आवश्यकता सुविधा मात्र से भी पूरी हो सकती है, मानव की नहीं हो सकती, परंतु मानव यदि अपने आप को शरीर मान ले, सुविधा को सुख मान ले, तो पशुवत जीने लगता है कि नहीं। ऊपर में देखें तो दो शब्द लिखे हैं, इधर लिखा है बल या शक्ति, उधर लिखा है क्रिया। तो क्रिया का मतलब कि जो भी ये क्रियाएं है ना, चित्रण विश्लेषण तुलन चयन आस्वादन, ये सब क्रियाएं हैं, और क्रियाएं हो रही है हमारे अंदर किस प्रकार हो रही है, तो इच्छा विचार आशा पूर्वक हो रही है, इच्छा विचार आशा को शक्ति का है। बल शब्द का भी प्रयोग किया है, बल का मतलब कि स्वयं में कुछ आयाम है, कुछ है ना बल के रूप में बना हुआ है जिसके साथ ये इच्छा विचार आशा चल रही है, जैसे कई बार हम शब्द प्रयोग करते हैं मन, मन कर रहा है कुछ खाया जाए, तो चयन हो रहा है कुछ खाने का, ठीक, आशा क्या है कुछ खाने को मिल जाए, ठीक, और जिसको हमने मन कहा उसको बल कहा, तो मन एक बल है मेरा जिसमें ये आशा हो रही है, जिसके साथ ये क्रियाएं हो रही है चयन आस्वादन, तो उस अर्थ में बल शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे को जोड़कर देखें तो कल्पनाशीलता है, चित्रण विश्लेषण तुलन चयन आस्वादन। तो चित्रण मतलब मैं कुछ होना चाहता हूँ उसका चित्रण है, सुखी होना चाहता हूँ, संबंध में कुछ होना चाहता हूँ, समाज में कुछ होना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ होना चाहता हूँ कि नहीं, उसके लिए विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब श्लेष मतलब चिपका हुआ, विश्लेष मतलब जो चिपका हुआ है उसको विलगित करके अलग अलग करके देखना, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं ना सिंथेसाइज एंड एनालाइज, तो सिंथेसाइज मतलब चिपका देना, एनालाइज मतलब जो चिपका हुआ है उसको फैला देना, एनालाइज करना। तो श्लेष जो हुआ वो सिंथेसिस है, चिपकना है, है ना, संश्लेषण कहते हैं ना इसे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधों में जो हो रहा है, तो सिंथेसिस मतलब चिपका देना उसको, मतलब बहुत सारी चीजों को बटोर कर एक बना देना। विश्लेषण मतलब जो एक है उसको अनेक भागों में बांट देना, एनालाइज करना। कंपेयरिंग तुलन, दो ऑप्शंस के बीच में चुनना, ये ज्यादा प्रिय है कि वो ज्यादा प्रिय है, इसमें फायदा है कि उसमें फायदा है, इसको हम कहते हैं तुलन। और जो भी हम
सोचते हैं अपने अंदर जो कल्पनाशीलता में चल रही है उसमें स्वाद मिलता रहता है, आराम में है कि परेशान है, है ना, स्वयं में सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, जो भाव मेरे अंदर चल रहा है ये सुखद है कि दुखद है, तो हमको इसका स्वाद मिलता है। वैसे शरीर से जो संवेदना आती है उसका हमको स्वाद मिलता है, चाय कम मीठी है ज्यादा मीठी है फीकी है क्या है उसका स्वाद मिल रहा है, आवाज कर्कश है मधुर है क्या मिल रहा है उसका स्वाद मिलता है या स्वादन है। और फिर हम चयन करते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं ठीक है ना, वहां पे चयन शामिल है। तो हम शरीर को चला रहे हैं फिरा रहे हैं काम कर रहे हैं ये क्या है, इसमें देखें उसके पीछे हमारा चयन हो रहा है। हम बैठते हैं बैठे बैठे हम अपना पोस्चर बदलते रहते हैं हर दो मिनट पे, हम बात करते हैं साथ हाथ हिलाते रहते हैं, तो चयन हो रहा है तभी तो कर रहे हैं। तो चयन मतलब निर्णय, जो हम निर्णय ले रहे हैं स्वयं में। जी ये बात पूरी स्पष्ट हो तो बताइए, इसमें कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। इस पर हम लोग ऐसे विस्तार से बात करेंगे, अभी तो थोड़ी सी बात रखी क्योंकि इसके विस्तार में हम लोग जाएंगे मॉड्यूल 3 में। तो ये जीव चेतना में जीना है, अगर हम सिर्फ इतने ही छोटे दायरे में जी रहे हैं। जी भैया एक इसमें छोटा सा प्रश्न है, यह जो अपना चित्रण हो रहा है तो वो और विश्लेषण और चयन ये सारी समय के सीमा में एक ही साथ हो रही है कि चित्रण हुआ है फिर उसके हिसाब से ये ऐसा कर रहे हैं, मतलब तीनों एक ही साथ चल रहा है समय में कि उसके बीच में कुछ अंतराल है, ऐसा एक प्रश्न बन रहा था भैया। क्रिया के रूप में देखें तो निरंतर है जी, परंतु क्रिया की वस्तु के रूप में देखें तो क्रम है जी। जी तो क्रिया हर क्षण हो रही है बट किसी वस्तु की बात करें तो उसका क्रम बनता है। तो पहले चित्रण हो रहा है, उस चित्रण के आधार पर फिर विश्लेषण तुलन हो रहा है, उसके आधार पर फिर आस्वादन हो रहा है और चयन हो रहा है जी भैया। तो वहां एक क्रम है, तो चित्रण में कोई भाव बैठा हुआ है, भाव के मूल में भी देखें तो जो गहरी गहरी मान्यताएं हमारी बन गई हैं सही या गलत दोनों तो प्रकार से हो सकता है, वो हमारा संस्कार है। तो हमारे संस्कार से हमारा भाव, भाव से विचार, विचार से हमारी आशा और आशा से हमारा जीना निर्वाह में दूसरे मनुष्य के साथ या शेष प्रकृति के साथ, ये क्रम दिखाई देगा। तो जो गहरी स्वीकृतियां हैं उनको संस्कार कहा, उस संस्कार से हमारे भाव निर्मित होते रहते हैं, उस भाव से हमारा विचार चलता रहता है, उस विचार से हमारे अंदर आस्वादन चयन होता रहता है और वैसा ही हम परस्परता में निर्वाह कर रहे होते हैं, वहां एक क्रम है। परंतु निर्वाह हम हर क्षण कर रहे हैं, विचार हम हर क्षण कर रहे हैं, है ना, और आप पाएंगे कि संस्कार में एक साथ 10 चीजें बैठी हुई है 20 चीजें बैठी हुई है, मतलब इनका ज्यादा ही है तो बहुत सारे संस्कार साथ साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो शरीर के साथ भी जुड़े हुए हैं, है ना, परिवार के सदस्यों के साथ भी जुड़े हुए हैं, शेष प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं, हर जगह कुछ ना कुछ हमने माना हुआ है। तो जो हमारी स्वीकृतियां बन गई हैं स्वयं में, स्वयं के बारे में बन गई है स्वीकृति, शरीर के बारे में बन गई है, परिवार के अन्य अन्य दूसरे दूसरे सदस्यों के साथ, इसके साथ हमारा संबंध ऐसा है, उसके साथ हमारा संबंध ऐसा है, ये आवाज दे तो सुनना है, वो आवाज दे तो इग्नोर करना है, है ना। अभी हमारी बहुत सारी चीजें स्वीकृतियों में बन गया है, ये तो दिन भर में कुछ बोलते ही रहते हैं ना, इनको सुनने कोई फायदा नहीं, ये व्यक्ति चुप रहता है, ये जो बोले उसको ध्यान से सुनना है ठीक, और ये तो कुछ बोलता नहीं उसको जाके पूछना है कि भाई कुछ तो बोलो। तो क्या हो गया कि हमारी अलग तरह से स्वीकृतियां बनी हुई है परिवार में अन्य, है ना, सदस्यों के साथ, उसके साथ हमारा भाव निर्मित होता रहता है, एक व्यक्ति के प्रति एक तरह का भाव, दूसरे व्यक्ति के प्रति दूसरे तरह का भाव। तो हम एक साथ इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं और सबके प्रति हमारा कुछ ना कुछ मानना है ठीक है ना, और उस मानने के साथ फिर हमारा विचार तैयार होता रहता है और फिर है ना उसके आधार पर हम आगे निर्वाह करते रहते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। तो क्रम दिखाई देगा, तो वस्तु के रूप में देखें कि इस इच्छा की वस्तु, विचार की वस्तु, आशा की वस्तु, तो उसमें क्रम है। क्रिया के रूप में देखें तो निरंतर जी। जी यानी कि अगर मूल वस्तु को मूलभूत सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये अपने आप से फिर क्रमबद्ध तरीके से उसमें कोई अंतर विरोध नहीं रह जाएगा विचारों में फिर चित्रण में। बिल्कुल जी 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 वही कुल करने का काम है। लेकिन ये भैया इतना सूक्ष्म होता जा रहा है कि ऐसा लगता है कि इसी में फंस गए हैं कि चित्रण करने जाते हैं तो चित्रण में ही चिपके रह जाते हैं फिर विश्लेषण में वो इसी चीजों में। जी भैया ठीक बात है कि अभी हमको चित्रण भी स्पष्ट नहीं होता, भाव स्पष्ट नहीं होता, वो ड्राइव करता रहता है हमारे विचार को बट हम उसको देख नहीं पाते, उस विचार का जो स्रोत है वो देख नहीं पाते। जैसे किसी व्यक्ति को देख कर ही हम थोड़ा सतर्क हो गए, है ना, कहीं अंदर भाव भय का बन गया ठीक है।
अब वो हमको पता नहीं, बट उस पर हम विचार करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर कोई भाव बन गया उस व्यक्ति को देखकर, ये हमको होश नहीं है कि क्या भाव बना है, बट हम उसके साथ विचार करते हैं, फिर विचार में हम आगे चले जाते हैं, उसमें बहुत सारा गुत्थम गुत्थी करना शुरू करते हैं। भैया जो आपने जैसे इच्छा के लिए कहा कि इच्छा में जो मूल चाहना है वो हमेशा सुख की रहती है, तो ये बात तो मैं देख पाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और मैंने जो मतलब देखा कि कई बार ऐसा होता है कि सुख की इच्छा होती है, दूसरा कभी लगता कि जो दुख मिल रहा है उस दुख में कौन सी परिस्थिति में कम दुख मिल सकता है, इसको ध्यान में रखकर भी इच्छाएं होती रहती है कि एक इस परिस्थिति में दुख ज्यादा मिल सकता है, इसमें कम मिल सकता है, तो कंपेयर करके भी होता रहता है। जैसे मैं डिस्कस कर रहा था बच्चों से कि कभी कभी कह रहा था कि आप जैसे सेशनल एग्जाम चल रहे हैं तो आप छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही चीज, जब फाइनल एग्जाम होते हैं तो आपकी कैसी भी स्थिति हो आप देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो है ना अगर ऐसा नहीं किया हमने तो ये बाहर मार्कशीट पे छप जाएगा, उससे सबको पता चल जाएगा और वो ज्यादा बड़ा दुख होगा, जो नॉर्मल सेशनल है उससे थोड़े बहुत कम नंबर आएंगे, सर हैं छोड़ देंगे कोई बात नहीं है, तो इस इन सबको भी एनालिसिस करते हुए भी हम इच्छा विचार आशा में लगे रहते कि मेरा कुछ इस तरीके से इसमें कुछ स्पष्टता चाहिए थी। जी तो देखिए, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जो सामने की स्थिति बन रही है जीव चेतना की, जहां हम अभी ज्ञान में जागृत नहीं है, तो मूल इच्छा तो निरंतर सुखपूर्वक जीने की है, बट उसके लिए निश्चित कार्यक्रम विधि हमारे पास है नहीं, तो हम दुखी रहते हैं, कम ज्यादा होता रहता है, कभी बहुत ज्यादा दुखी कभी कम दुखी, परंतु स्वयं में जो निरंतर सुख की स्थिति वो नहीं बन पाती, तो हम अल्टीमेटली अगर कर रहे होते हैं, अगर कार्यक्रम को देखें तो हम दुख से निकलने का ही प्रबंध कर रहे होते हैं। जी सर, तो हम चुनते हैं कि दो दुख में कौन बड़ा है। जी 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 सर, यही मैं मतलब मैं कहता था, मैंने एनालाइज जो देख रहा था कि कई इस तरीके से कि हम बहुत बार इसमें लगे रहते कि जैसे कौन सा बड़ा दुख ज्यादा होगा तो उससे कम वाले को चयन कर लेते कि चलो इतना कम हो गया तो उसे ही सुख फील कर लेते है ना, तो अभी हम दो दुखों में चुनते रहते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा है कौन छोटा है। जी जी, वो तो अच्छी बात है कि हम इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में अब आ गए हैं, तो हम सुख के बारे में बात कर पा रहे हैं, सुख को समझने का काम कर पा रहे हैं, सुख के लिए कार्यक्रम बना पा रहे हैं, अदरवाइज अगर इस तरह का एक्सप्लोरेशन अपने अंदर ना हो जी सर, ठीक है ना, तो हम या तो दुख से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं या कोई अनुकूल संवेदना या भाव पाकर इस आशा में कि वहां सुख मिल जाएगा उसके लिए लगे रहते हैं। जी 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 सर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना सुख है। जी सर जी ठीक है, मैं समझ आ रहा कि ये जो दुख को कम करने ये भी एनालिसिस एक्सप्लोरेशन से पता चल पाता, जब सुख आप समझ पा रहे हैं तो आप ये भी जान पा रहे हैं कि सुख में कम ज्यादा इसमें भी अभी जो जीव चेतना में ही आप कंपैरिजन में लगे हुए, जो मुझे लगता है। ठीक बात है, ठीक है सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम आपने बताया कि कंपैरिजन करते हैं या सिलेक्शन एंड एनालाइजिंग करते हैं, तो इसमें मेमोरी का कोई रोल है जिससे हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे सिलेक्शन करते हैं और कि ये वाला एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा था, तो ये मेमोरी किस चीज का पार्ट है? और दूसरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कई सारी हम माइंडफुलनेस के कोर्सेज में या जो भी सेशंस होते रहते हैं उसमें अफर्मेशंस की बात बताई जाती है कि अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करो, तो वो अफर्मेशंस में हम ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस होते हैं उसको हम विजुअलाइज करते हैं या उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो वो किस टाइप की एक्टिविटी है? जी, पहले वाले भाग पे आते हैं, तो मेमोरी का मतलब है रिटेंशन, कुछ चीजें जो हमारे अंदर बनी रहती है, तो मेमोरी देखें तो हर एक स्तर पे है, डिजायर के लेवल पे भी है ना, जो हमारा इमेज है, जो कुछ हमने इमेज बनाया हुआ है उसकी मेमोरी हमारी बनी हुई है, तो हमने बचपन से इमेज बनाया हुआ है कि विदेश जाएंगे तो सुखी रहेंगे, ठीक, कहीं हमने बचपन में देख लिया कोई शो या किसी व्यक्ति से मिल लिए, किसी इंटरेक्ट कर लिए, विदेश से आया था उससे बात करके बड़ा अच्छा लगा, तो बस एक इमेज बन गया कि मुझे भी पढ़ लिख के विदेश जाना है तभी सुखी हो पाएंगे, उससे कम में तो कुछ होना जाना नहीं,
तो वो भी हमारे एक मेमोरी का पार्ट है जो हमको ड्राइव कर रहा है। वैसे थॉट में भी मेमोरी है, जो इस प्रकार से एनालिसिस करते रहे हैं उसकी एक मेमोरी है। कंपेयरिंग में भी मेमोरी है, इस बेसिस पे हम कंपेयर करते रहे वो हमारे अंदर कंटिन्यू कर रहा है। वैसे देखें तो टेस्टिंग और सिलेक्टिंग में भी मेमोरी है, हमने कोई नाम सुना है उसको नाम का हमारा स्वादन है, वो नाम जब जब बोला जाता है हम उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं, अच्छा एक्स वाई जेड इनकी बात हो रही है। तो जो बाहर से सूचना आई है शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, उसकी भी मेमोरी है ना, वो टेस्टिंग में बना हुआ है, उसके बेस से हम सिलेक्शन करते रहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन में भी मेमोरी है। तो मेमोरी देखें तो पूरी कल्पनाशीलता में, उसमें इतना है कि जो शरीर के साथ संपर्क बने रहने से जो मेमोरी हमारे अंदर बनी है एक्सपेक्टेशन में, शरीर के साथ जब संपर्क क्षीण होता है तो मेमोरी कम हो जाती है। जैसे बुढ़ापे में मेधा कमजोर हो जाता है, ब्रेन का हेल्थ कम हो जाता है, तो जो मेमोरी है जो एक्सपेक्टेशन के लेवल पे है यानी टेस्टिंग में है, किसी के नाम की, चेहरे की, वो मेमोरी कम हो जाती है। तो अभी यह है कि एक बार किसी व्यक्ति को देख लिया, अब चाहे 10 साल बाद मिले, हम कहते हैं कि हाँ इस व्यक्ति से मैं मिला हूँ, फलाना नाम है इनका और इनसे वहां मिले थे, इस अवसर पे मिले थे। वही अगर बुढ़ापा आ जाए तो अभी सुबह किसी को दिखाया गया हमारे सामने कि आपका पोता है, शाम को आया फिर पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है। तो इसमें क्या हो गया कि जो चित्र का आस्वादन हो रहा था, जो आंख मतलब आंखों से रूप का आस्वादन हो रहा था, ठीक, अब वो आस्वादन थोड़ा क्षीण होने लगा है क्योंकि ब्रेन जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन के लेवल की मेमोरी है वो शरीर से द्वारा प्रभावित हो जाती है, और यदि एक्सपेक्टेशन से ड्राइव कर रहा है कहीं थॉट तो उसमें भी कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर इमेजिंग तक जा रहा है उसमें प्रभाव पड़ेगा। बट चूंकि थॉट और डिजायर को देखें तो सीधे सीधे जो ब्रेन से सूचना आ रही है उसके आधार पर नहीं है, परंतु उसमें थॉट में देखें तो एनालिसिस है, कंपेयरिंग है ना, डिजायर में इमेजिंग है, तो ज्यादा समय तक बना रहता है। तो डिजायर के लेवल पर जो मेमोरी है वो बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। जो विश्लेषण हमने किया है वो आप पाएंगे कि धीरे धीरे है ना, मतलब वो डिजायर से कम लेवल तक रहता है उसका मेमोरी। जैसे हमने पढ़ाई लिखाई करते समय बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया था कि इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज करते थे। पहले था कि कोई भी अगर कभी पूछ दे बता देंगे, अब कोई पूछे नहीं बता पाते हैं, तो क्योंकि उसका बहुत समय से हमने अभ्यास नहीं किया। तो जो थॉट की मेमोरी है ना वो एक समय के बाद धीरे धीरे जाने लगती है। बट यदि चित्रण के स्तर पर देखें तो वो जो देश जाकर सुखी होने की इच्छा बन गई, वो जब तक मूल्यांकित ना हो जाए वो चलता रहता अपने अंदर। तो इस प्रकार से मेमोरी काम करती है। तो ये मेमोरी किसका पार्ट, मतलब सेल्फ का ही पार्ट है? हाँ, सेल्फ का ही पार्ट है। इतना जरूर है कि जो ब्रेन है उससे जुड़कर जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है उससे जो आशा के स्तर पे जो मेमोरी हमारी बनी हुई है वो प्रभावित होती रहती है। तो अगर सूचना का आदान प्रदान एक स्वस्थ मेधस के साथ हो रहा है तो एक प्रकार से होगा, मेधस थोड़ा कम स्वस्थ है, कमजोर हो गया है, तो अलग प्रकार से होगा। तो मेधस में जो कुछ हो रहा है वो तो बायोकेमिकल है ना, बहुत ही रासायनिक तरीके से हो रहा है, बट मेरे अंदर जो हो रहा है वो चैतन्य प्रकार से हो रहा है। तो है तो मेमोरी सेल्स में ही, बट ट्रिगर होता है आस्वादन के स्तर पर ब्रेन के माध्यम से, कई बार, नॉट एवरी टाइम बट कई बार, ज्यादातर समय। जी बढ़िया दीदी। माइंडफुलनेस में आपने कुछ कहा तो वो एक शब्द तो मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, तो हाँ, अगर जी, जिससे हमारे प्लेस पे काफी सारे सेमिनार्स वेबिनार्स होते रहते हैं, तो उसमें मतलब अलग अलग टाइप के कोचेस को इनवाइट किया जाता है, तो उसमें काफी लोग यही बोलते हैं कि माइंड अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, जैसे कि माइंडफुलनेस का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी कल्पनाशीलता में चल रहा है उसके प्रति हम सजग रहे। जैसे अभी हम जो अभ्यास कर रहे हैं और करेंगे आगे, और तो माइंडफुलनेस का मतलब एक तो ये हुआ कि आपके एक्सपेक्टेशन में क्या हो रहा है वो हमको पता रहे। कई बार माइंड को रिलेट करते हैं एक्सपेक्टेशन से, कई बार माइंड को रिलेट करते हैं पूरे इमेजिनेशन से। तो माइंडफुलनेस मतलब जो भी मेरे अंदर भाव विचार चल रहा है, आशा बनी हुई है, उसका हम उसके प्रति हम सजग रहे, हमको पता रहे। कई बार ये होता है कि हम तनाव में, परेशानी में, दुख में है ना, इतने खो जाते हैं कि हमको अपनी स्थिति का ज्ञान ही नहीं रहता, अपनी स्थिति का पता नहीं रहता, और हम बहते चले जाते हैं विचार में। किसी प्रति विरोध का भाव आ गया, बहते चले गए,
पता भी नहीं कि ये विरोध का भाव है, लाभ की दृष्टि बन गई, बहते चले गए। तो उसमें दिखाई दे रहा है अभी कॉर्पोरेट लोगों को, कॉर्पोरेट में लोगों को, कि अभी ना दृष्टि को तो भले ही हम बनाए रखें, लाभ की दृष्टि को, प्रिय की दृष्टि को, हित की दृष्टि को, परंतु उससे जो दुख मिल रहा है उसको कैसे कम करें। तो बहुत तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाए, माइंडफुलनेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि अल्टीमेटली जो सुख सुनिश्चित होगा वो ज्ञान से होगा, समाधान से होगा। इससे अधिक से अधिक दुख थोड़ा कम हो सकता है और उससे शरीर के स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है। तो अगर हम दुख तनाव में होते हैं तो हमारे मेधस पे, ब्रेन पे असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है, लंग्स पे असर पड़ता है, उससे लोगों की एफिशिएंसी कम होने लगती है ना। फिर उनको लगता है कि देखो इतना सब करने के बाद भी बॉडी हेल्दी है नहीं, बॉडी हेल्दी रहा नहीं, इसको भोगेंगे कैसे। तो फिर उसको शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी काम करते हैं, स्वयं में स्ट्रेस को कम करने के लिए भी काम करते हैं। तो माइंडफुल होना तो अच्छी बात है, बट यदि हमारे पास सही का प्रस्ताव नहीं है तो उस माइंडफुलनेस के साथ हम फिर वही कार्यक्रम बना लेते हैं अपना, सुविधा संग्रह भोग में, क्योंकि हमको पता नहीं कि माइंडफुल होकर करना क्या है। तो अभी भी जो हम काम कर रहे हैं इसमें माइंडफुलनेस है, और उसके साथ साथ हम सिर्फ माइंडफुल नहीं हो रहे हैं, हम रियलिटी के प्रति भी अवेयर हो रहे हैं। जो ब्लॉक B1 है ऊपर, उस पर भी काम करने वाले हैं जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ नए शब्द जुड़ गए जो सामने डायग्राम है। हम लोग इस डायग्राम को ओपन करके विस्तार से बात करेंगे मॉड्यूल 3 में, बट चूंकि ये सामने आई है बात तो संक्षेप में रख लेते हैं। तो इससे पहले जो बातें हमने समझी उससे कल्पनाशीलता में क्या हो रहा है वो सारे शब्द ध्यान में आ गए। अभी यहाँ पे कुछ चीज और जुड़ गई। तो जैसे अगर दाएं कॉलम को देखें तो वहां लिखा स्थिति क्रिया, बाएं कॉलम को देखें तो वहां लिखा गति क्रिया। स्थिति क्रिया मतलब जो हमारे अंदर स्थित हो जाता है। जैसे कोई स्वाद है, हमने कभी चाउमीन खाया, अब चाउमीन का स्वाद स्थित हो गया, तो अगली बार जब हम रेस्टोरेंट गए और मेनू कार्ड सामने आया तो हमने कहा चाउमीन मंगाओ, है ना, बड़ा मजा आया था खाकर, तो चाउमीन का स्वाद मेरे अंदर बैठा हुआ है। ठीक, अब हम सिलेक्शन करते हैं चाउमीन, तो जो सिलेक्शन किया हमने ये गति है। उस चाउमीन के स्वाद के साथ हमें एक गति मिलती है कि मंगाना है तो चाउमीन मंगाना है, पहला ऑप्शन यही है। ठीक, तो क्या हो गया इसमें, कोई स्वाद हमारे अंदर बैठा हुआ है, उससे फिर हमने निर्णय लिया, तो जो निर्णय है वो गति है, जो बैठा हुआ है वो स्थिति है। वैसे तुलन में हमारे कुछ बैठा हुआ है, ये अच्छा होता है ये बुरा होता है, कि नहीं ये वाला कपड़ा अच्छा होता है, तो कहीं बाहर जाना है, शादी में जाना है, तो ये कपड़े अच्छे होते हैं, ये कपड़े अच्छे नहीं होते, तो हमारे तुलन में कुछ बैठा हुआ है। फिर हम विश्लेषण करते हैं कि जो अच्छे होते हैं उसके लिए अभी क्या करना है, नया सिलवाना है या पुराने को धुलवा के यूज करना है, एंड सो ऑन। तो हम निर्णय ले रहे हैं कि पुराने को धुलवा के यूज करना है या नया सिलवाना है, ये हम विश्लेषण जो कर रहे हैं उस तुलन के साथ कर रहे हैं जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, कि ये कपड़ा अच्छा होता है, वो कपड़ा अच्छा नहीं होता। तो दाई तरफ जो है जितनी भी क्रियाएं हैं उस स्थिति के रूप में हमारे अंदर वो जाकर स्थित होती है, बैठ जाती है, और फिर हम निर्णय लेते हैं, वो निर्णय जो है गति है। तो अगर हम देखें तो तुलन और आस्वादन हमको स्थिति में दिखाई देंगे, चित्रण विश्लेषण चयन हमको गति में दिखाई देंगे। अब होता यह है कि अगर हमारे अंदर सही समझ सही भाव न हो, है ना, और हम मान्यता या संवेदना से ही प्रभावित होते हैं, भले एक भाग सहज स्वीकृति से आता है, तो हमारे अंदर जो विचार होता है वो अनियंत्रित होता है। तो कैसे अनियंत्रित होता है, जो हमारे अंदर तुलन हो रहा है वो प्रिय हित लाभ तीन दृष्टियों के अर्थ में चलता रहता है। प्रिय मतलब अनुकूल संवेदना कैसे मिल जाए, बेहतर से बेहतर, उसको प्रिय कहा, तो मतलब प्रिय होगा तो सुख मिलेगा। हित मतलब कि जो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में हो या भोग के अर्थ में हो, यदि अधिक भोगेंगे तो अधिक से अधिक सुखी रहेंगे। तो है ना, जैसे मान लीजिए हमको ठंड है और एक उन्हीं कपड़े से काम चल जाएगा, बट हम अगर अपने आपको शरीर मान लें तो मतलब ताकि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि शरीर गया तो सब कुछ गया, है ना, कुछ नहीं बचा, ना मैं बचा, ना मेरी सुविधाएं बची, कुछ नहीं बचा। उस भय से हम जहाँ एक कपड़े से काम चल सकता है वहां चार कपड़े पहन लेते हैं, है ना। वैसे ही अगर हमको लगता है कि एक मकान में भी रहा जा सकता है, बट एक मकान में रहने क्या मजा है, क्यों ना हजार मकान हो। एक व्यक्ति यहाँ नोएडा में ही पकड़े गए थे करप्शन के चार्जेस पे, जब उनका जांच बैठी तो पता चला उनके पास 1000 मकान है। तो भोग मतलब कि भोग की दृष्टि मतलब कि शरीर के जितना पोषण संरक्षण के अर्थ में है उससे बहुत ज्यादा हम पूरा करते हैं या पूरा करने में लग जाते हैं, उसको सुख मानकर। तो शरीर के पोषण के लिए जितना भोजन चाहिए उससे अधिक भोजन ले रहे हैं, तो अभी देखिए तो ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है, मोटापा शहरों में, है ना, क्योंकि इतना भोजन की जरूरत है, उससे बहुत ज्यादा भोजन ले रहे हैं।
जितने कपड़ों की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा कपड़े हम ला रहे हैं, पहन रहे हैं, जो शरीर के संरक्षण के लिए जरूरी भी नहीं है, बट हमको लगता है इससे ज्यादा संरक्षण मिलेगा। तो ये भोग की दृष्टि है या हित की दृष्टि है। और लाभ की दृष्टि मतलब कि या तो हम संग्रह करने के बारे में विचार कर रहे हैं, या जब भी लेन देन होता है उसमें हमको अधिक से अधिक मिल जाए कम से कम देकर, उसके लिए विचार करते हैं, ये लाभ की दृष्टि है। तो अगर हम सही समझ सही भाव के आधार पर न चलें और हमारे अंदर मान्यताएं काम करती रहें, संवेदनाओं का प्रभाव बना रहे, तो अल्टीमेटली हमारा विचार प्रियहित लाभ के अर्थ में ही होता है। अपने आप को शरीर मानकर, सुविधा को सुख मानकर, दूसरे को विरोधी मानकर, है ना, तो हम इसी अर्थ में विचार कर रहे होते हैं। तो उसके आधार पर देखेंगे तो हमारे अंदर जो आस्वादन होता है वो भी अनियंत्रित होता है, रुचि मूलक आस्वादन रहता है, कि हम रुचि के अर्थ में, स्वाद के अर्थ में ही, है ना, सिलेक्शन करते रहते हैं कि कौन सा अच्छा स्वाद मिल जाए, दूसरे से अच्छा भाव मिल जाए, शरीर से अच्छी अच्छी संवेदना मिल जाए, इसी अर्थ में हमारी आशा काम करती रहती है। उसी आशा से हम व्यवहार करते रहते हैं, उसी आशा से हम कार्य करते रहते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक दूसरे से अनुकूल भाव पाने के लिए, शरीर से संवेदना पाने के लिए हम क्रियाशील रहते हैं। तो अगर बिल्कुल ही अनियंत्रित है तो यहाँ पे आपको बहुत सारा भगदड़ दिखाई देगा, है ना, उसके कारण बहुत सारा समय दुख परेशानी दिखाई देगा। तो ये स्थिति बनती है, उसके आधार पर व्यवहार कार्य भी होता रहता है ना। जहां तक हमें कहीं पे सहज स्वीकृति की झलक मिलती है तो उसके आधार पर हम कल्पना करते हैं, जैसे बात हुई कि भाई हम संग्रह तो करते हैं बट सोचते हैं अपने बच्चे का अच्छे से पोषण करें, तो बच्चे के प्रति संबंध का भाव है, मेरी सहज स्वीकृति है, बट बच्चे के पोषण के लिए जो सुविधा लगाते हैं वो हमारी हित की दृष्टि काम कर रही है कि नहीं, इतना खिला पिला दिया कि बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो गया। अभी आज के दिन ये हो गया, रिसर्च में पाया जा रहा है कि 12 13 साल के बच्चे हैं 80 किलो का वजन है, ये विदेशों में कई जगहों पे एक बड़ी समस्या बन गई है जी। तो ये कहा इसको जीव चेतना, जहां मान्यता या संवेदना के आधार पर जी रहे होते। तो आज के दिन असाइनमेंट के रूप में ये रहेगा कि हम इन चीजों को अपने आप में जांच कर देखें, है ना, कल्पनाशीलता में अभी हम कितनी बार संवेदना से प्रभावित हुए। तो ये तो हमने कई बार हम लोगों ने इस पे डिस्कशन किया है, परंतु आज दिन में भी देखेंगे उसको स्पेसिफिकली, आज दिन के लिए देखेंगे कितनी बार हम संवेदना से प्रभावित हुए, कितनी बार मान्यता से प्रभावित हुए, और कितनी बार सहज स्वीकृति के आधार पर हम क्रियाशील रहे, ठीक है। उसके एक एक भाग को हम देख सकते हैं, ये वह भाग जो है ये संबंध के भाव के साथ था, व्यवस्था के भाव के साथ था, बट यहाँ पे हमने कोई मान्यता जोड़ ली, यहाँ पे कहीं संवेदना प्रभावित कर गई, ठीक। और आगे देखना है तो हम प्रियहित लाभ को भी देखेंगे, बट अभी उसमें थोड़ी और तैयारी चाहिए, तो हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 3 में विस्तार से बात करेंगे जी। हाँ सर, भाव संवेदनाओं से एक जो खुशी है उस खुशी के ऊपर एक क्वेश्चन था मेरा कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस से हमारे माइंड में दो सेल होते हैं जो येलो नहीं शायद ऑरेंज और ब्लू, तो ब्लू ज्यादा एक्टिवेट होते हैं हैप्पीनेस से। तो अगर हम हमारा माइंड भी एक हेल्दी माइंड बन रहा है हैप्पीनेस से, तो वो हमारी बॉडी को भी फिट कर रहा है और हमारी सेल्फ को भी फिटनेस दे रहा है। तो भाव और संवेदनाएं तो हमें प्रैक्टिस से ही शायद कंट्रोल में करनी पड़ेगी, क्योंकि मान्यताएं बहुत ज्यादा हैवी हैं इसके ऊपर, उसको ऐसे लग नहीं रहा कि वो इतनी जल्दी हम लोग अपने भाव और संवेदनाओं को अपने सही पोजीशन पे ले आएंगे। पर जहां तक मैं सोच रही हैप्पीनेस के ऊपर हम वर्क करें तो उससे माइंड आइडियाज और ये व्यवहार शायद कुछ ज्यादा काम करने लगता। तो देखिए इस पर पहले भी बात हुई, कंट्रोल करने का कोई मुद्दा नहीं है, और भाव पे तो काम करने का मुद्दा है, और भाव पे काम करने के लिए जो अभ्यास करना है वो अपनी सहज स्वीकृति को देखने का अभ्यास करना है, कुछ मानने का अभ्यास नहीं करना है कि हम ये चीज मान ले। इतनी परंपरा इतनी ज्यादा हैवी है उसके ऊपर, बहुत मुश्किल है उसको उस पोजीशन में लाना। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो हम हैप्पीनेस ही शुरू कर ले कि शायद भाव भी हमारे अच्छे होने लग जाए और मान्यताओं के ऊपर भी हम पूरा इसको उसके ऊपर व्यवहार में भी फर्क ला सकते हैं। देखिए समझ से भाव, भाव से विचार, विचार से व्यवहार। अच्छा, समझ से भाव, भाव सर ऐसे कंटिन्यूटी में हो ना तो जल्दी समझ आता है, वो बीच में बहुत ज्यादा ऐसे लगता है
हमारा जो दिमाग है ना वो उलझने लग गया, दिमाग की कंट्रोल मतलब कि समझने की जो क्षमता है वो ऐसा लग रहा है कम होने लग गई है। तो उसमें क्या है देखिए, अंदर चलने लग गया। अल्टीमेटली मुद्दा तो जानने का है, समझने का है, उसके लिए काम करते हैं तो भाव निश्चित होता है। हम जानने काम अगर ना करें तो हो सकता है हम अपने आप को अलग ढंग से फिर कंडीशनिंग करने लगते हैं, इसे कोई उपयोगिता नहीं है। तो कंट्रोलिंग नहीं करना है, कंडीशनिंग नहीं करना है, जो वस्तु जैसी उसको ऐसा देखना है, समझना है। ठीक है सर जी। सर आपने स्टेट एक्टिविटी तो अच्छा बताया, कंपेयरिंग एंड टेस्टिंग, वो तो समझ में बहुत अच्छे से है कि कोई चीज अगर कंपेयर कर रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है, टेस्ट किया है तो मान जाते हैं कि अच्छा खाना है तो मेमोरी में रह जाता है। बट ये इमेजिंग एनालिसिस सिलेक्टिंग जो डायनेमिक एक्टिविटी में रखा गया है और पावर डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन में, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और आप बोल रहे हैं कि सेंसेशन जो है हमारा मेमोरी में वो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी, सेंसेशन इज टेस्टिंग, टेस्टिंग जो है हमारे मेमोरी में वो बॉडी कहाँ पर, सेल्फ में है ना। सेंसेशन शरीर से आ रहा है, संवेदना शरीर से आ रही है, तो जो मेमोरी है वो संवेदना की नहीं है, संवेदना के स्वाद की है। संवेदना प्रिय लगी, अनुकूल लगी, या प्रिय लगी, प्रतिकूल लगी, ये हमारी मेमोरी में बैठा रहता है। अच्छा, तो मेमोरी आप बोल रहे हैं कि मेमोरी जो है हमारा बॉडी पार्ट नहीं है, इट्स ए सेल्फ पार्ट। हाँ, मेमोरी सेल्फ में है, जो बॉडी है उस मेमोरी को ट्रिगर करता है, जो ब्रेन उस मेमोरी को ट्रिगर करता है। जो कुछ उदाहरण हम लोग लिए तो ब्रेन स्वस्थ है तो एक प्रकार से ट्रिगर होता है, नहीं स्वस्थ है दूसरे प्रकार से ट्रिगर होता है। तो जो बॉडी में पार्ट है ब्रेन है ना, उसके माध्यम से हमको संवेदना मिलती है, सूचना मिलती है। तो अगर ब्रेन स्वस्थ है तो ज्यादा संवेदना मिल पाती है, ज्यादा सूचनाएं मिल पाती हैं, अस्वस्थ है कम मिलती हैं, फुली डेवलप्ड है ज्यादा मिल पाती हैं, कम डेवलप्ड है नहीं मिल पाती हैं, कम मिल पाती हैं। अच्छा सर, तो इस स्लाइड, हाँ सर, इस स्लाइड में एनिमल कॉन्शियसनेस लिविंग बाय प्री कंडीशनिंग एंड सेंसेशन लिखा गया है, तो क्या एनिमल कॉन्शियसनेस जो प्री कंडीशनिंग सेंसेशन क्या बुरा चीज होता है? मतलब मान लीजिए कि ये खाना, ये जो कोई खाया ये अच्छा टेस्ट दिया तो उसको अच्छा लगा, ये अच्छा है, सेंसेशन में आया कि अच्छा है, किसी ने अच्छा काम किया, हमने मेमोरी में रहा कि ना इतने ये इंसान अच्छा काम करता है तो ये अच्छा ही है, तो ये जो रह रहा है हमारा पास ये भी तो एक तरह का प्री कंडीशनिंग रह जाता है कि कोई अगर किसी को मदद करता है तो उसको अच्छा ही बोला जाता है, वो भी तो हमारे मेमोरी में रह जाता है, तो ये तो प्री कंडीशनिंग हुआ क्या? हाँ, तो ये भी कंडीशनिंग है। देखिए, क्या हमने अच्छा तो कुछ मान लिया, ठीक, उसको जांचा तो है नहीं हमने, तो जब तक फेवरेबल फीलिंग मिलती है कि हमने कुछ अच्छा किया, दूसरे ने धन्यवाद दिया, पैर छुआ, हमारा नाम लिया, हमको दूसरे का सहयोग करना अच्छा लगता है, हमने किसी के लिए अच्छा किया एन वक्त उसने धोखा दे दिया, तो हमारे अंदर मान्यता बदल गई, किसी का भला मत करो यहाँ सब बुरे हैं। जैसे कि कोई मुझे जबरदस्ती कर रहा है या कोई लड़की को जबरदस्ती कर रहा है, उसको छेड़खानी कर रहा है, तो उसको तो वो चीज उसका इच्छा का विरोध कर रहा है, तो उसमें उसमें वो बोलेगा कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, वही ना। तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो मान्यता है संवेदना के दबाव में है, नहीं उसको तो अच्छा लग रहा है ना, वो तो वो करने में उसको अच्छा लग रहा है, मगर जो सामने वाला है वो उसको तो अच्छा नहीं लग रहा है। भाई, तो इसलिए मैंने कहा कि जब हम समझ के अभाव में काम कर रहे होते हैं तो जो अच्छा लगना है वो अनियंत्रित रहता है, तो कभी कभी वो जो अच्छा लगना है वो हमारी सहज स्वीकृति से मेल भी खाता है, कभी कभी बेमेल भी रहता है। जो आपने उदाहरण सर, क्योंकि वो तो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि हमें अगर अच्छा कोई चीज हम सहज स्वभाव में रहते हैं जो कि अच्छा लगता है। अब इस पे आते हैं, जो आपने उदाहरण लिया, तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा जो कुकृत्य कर रहा है, आपने उदाहरण दिया, तो उसकी मान्यता के आधार पर या संवेदना के आधार पर वो उसको अच्छा लग रहा है, बट जो जिस जो उसे प्रभावित हो रहा है उसकी सहज स्वीकृति नहीं है कोई ऐसा करे, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और उसमें भी अगर दो चार लोग उसको घेर ले, मैंने मार पिटाई कर दी, उसको काम अगली बार अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं। तो ये जो अच्छा लगना है और अच्छा होना है, इन दोनों में अंतर है। तो अच्छा लगने में तो ये मान्यता, संवेदना, सहज स्वीकृति तीनों काम कर रहे होते हैं, अच्छा होने में ज्ञान समाधान है कि अच्छा क्या है, हमको दिख गया, समझ में आ गया है कि नहीं। जी, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, कल इस पे प्रश्न करिए, समय हो चला है भैया। ठीक है सर।
जी भैया, कल से बात करेंगे हम लोग, सभी को नमस्ते।